नमस्कार दोस्तों आई विश यू ऑल गुड हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ सो आई एम बैक विथ माई YouTube चैनल आज मैं अपने YouTube चैनल का की शुरुआत कर रहा हूँ कई दिनों से ये मन में ख्याल आ रहा था कि मेरा भी खुद का अपना YouTube चैनल होना चाहिए लेकिन कारणों बस मैं अपना चैनल स्टार्ट नहीं कर सका

आजकल काफी सारी चीज़ें न्यूज़ में आती है और इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका मल्टीपल परस्पेक्टिव है उसी तरह जिस तरह से समाज का विकास हो रहा है और जिस तरह से टेक्नोलॉजी एक मानव समाज का अभिन्न अंग बन चुका है इन दैट कॉन्टेक्स्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन लाइफ्स देर मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी तो एक अवेयरनेस के तौर पे कि लोगों को बताया जाए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डे टू डे लाइफ एप्प्लीकेशन्स के तौर पर क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं क्या उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं और किस तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरे राष्ट्र को पूरे ग्लोबल लेवल पे एक इंडिविजुअल लेवल पे इम्पैक्ट करता है उसके बारे में चर्चा करना जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं चाहे वो द हिंदू न्यूज़पेपर हो या टाइम्स ऑफ इंडिया हो या इंडियन एक्सप्रेस हो कई कई बार बीच में भारत के संदर्भ में अंतरिक्ष कार्यक्रम या रक्षा के क्षेत्र में मिसाइल या सबमरीन या आजकल के जो इवॉल्विंग एरियाज़ हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स बिग डेटा ये सारे तमाम ऐसे जो टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ते रहते हैं उसके बारे में कई चीज़ों की चर्चाएँ सुनते हैं उसके अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी हमें मिलती है तो उन सभी चीज़ों को एक जगह लाकर चर्चा किया जाए टू डिस्कस अबाउट ऑल सच इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच इज लिंक टू सोसाइटी इकोनॉमी नेशनल सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ कल्चरल एस्पेक्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन वेलफेयर मानव कल्याण उसमें समाज में जो व्यक्ति हैं या जो समुदाय हैं वहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस तरह का महत्वपूर्ण योगदान देता है उन सभी विषयों पर चर्चा करना इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इन्वायरमेंट ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट में या ओजोन होल के कॉन्टेक्स्ट में या आज सबसे गंभीर मुद्दा प्रदूषण है इन टर्म्स ऑफ एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन द वे इको सिस्टम्स आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड द वे द नेचुरल रिसोर्सेज आर बिंग एक्सप्लॉयटेड सो उन सभी ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना और उसके जो ब, बहुत सारे जो पहलू हैं उन बहु पहलुओं को उजागर करना इस प्लेटफॉर्म पे मैं समय समय के साथ करता रहूँगा इसके अलावा है कि जैसे कि बच्चों के संदर्भ में देखा जाए कि हम किस तरह स्किल डेवलपमेंट करें आज हम विद्यालय में या स्कूल्स में कॉलेजेस में अलग अलग जगह पे पढ़ते हैं वी गेन नॉलेज तो नॉलेज के कॉन्टेक्स में एक होता है लर्निंग प्रोसेस और दूसरा होता है कि उस लर्निंग को हम किस तरह ट्रांसलेट करते हैं एप्लीकेशन के तौर पे तो इस प्लेटफॉर्म का एक और उद्देश्य ये होगा कि हम किस तरह विद्यार्थियों के स्किल को डेवलप कर सकें सो आई विल ट्राई फ्रॉम माय लेवल टू डिस्कस अबाउट दोज एरियाज विच कैन बिल्ड करियर विच कैन इन्हैंस स्किल्स इन स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रेन

इन सभी चीज़ों के जितने भी सिलेबस या पाठ्यक्रम होते हैं केवल उसको डिस्कस करना नहीं है बिसाइड दैट इसमें कई सारी चीज़ें होंगी जो कि किसी भी एक आम व्यक्ति से जुड़ा हो सकता है उनके बारे में चर्चा करना सो ऑल दो आई एम लेट बट आई थिंक आई एम इन द राइट टाइम सो मुझे लगता है कि कभी भी जीवन में देर नहीं होती है जब भी आप शुरुआत करें जब जागो तभी सवेरा तो काफ़ी समय के बाद मैंने यह निर्णय लिया है और आज मैं आपके सामने इस YouTube चैनल के साथ मौजूद हूँ और आपको मेरे चैनल में सारी ऐसे वीडियोस, शॉर्ट्स रील्स मिलेंगे और मैं मल्टीपल डायमेंशंस पे डिस्कस करूँगा मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण जो पार्ट मैं करना चाहता हूँ इस YouTube चैनल के माध्यम से वह यह है कि जैसे कि राज्यसभा टीवी या लोकसभा टीवी या मीडिया में या सोशल मीडिया में जैसे कि ट्विटर या फेसबुक इंस्टाग्राम है ना जितने भी ऐसे आप मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें जो ट्रेंडिंग न्यूज़ हैं जो अभी ग्लोबल लेवल पे और नेशनल लेवल पे चर्चा का विषय है मैं उन टॉपिक्स पर भी चर्चा इस चैनल के माध्यम से करूँगा और यही वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जो मेरे नाम का टेलीग्राम चैनल होगा नीरज नचिकेता के नाम पे आपको वहाँ मिल जाएगा मेरे जो फेसबुक की प्रोफाइल है अब मेरे पेज में जाएंगे तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें उपलब्ध होगी साथ साथ में ट्विटर लिंक्ड इंस्टाग्राम ये सभी प्लेटफॉर्म्स में ये सारे कंटेंट्स अवेलेबल होंगे जल्द ही मेरा वेबसाइट भी तैयार हो रहा है आप नीरज नचिकेता के नाम पे वेबसाइट भी आप देखेंगे और उस वेबसाइट में भी सारे ऐसे कंटेंट्स मौजूद होंगे जहाँ पर टेक्स्ट इमेजेस वीडियोस सारे उपलब्ध होंगे तो मैं एक प्रयास कर रहा हूँ अपने द्वारा कि जहाँ एक मास स्केल में मैं लोगों के साथ जुड़ सकूँ तो वो इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से यूट्यूब के जरिए से मैं अपने बात को सामने रख सकूँ और लोगों के साथ जुड़ सकूँ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस चैनल विल बी ब्लॉगिंग मैं कई जगह घूमने जाता हूँ पढ़ाने के लिए या किसी काम के लिए मैं ऑल ओवर इंडिया घूमता रहता हूँ मैं और जो मेरा अपना इंटरेस्ट एरिया है जैसे कि इन्वामेंट के क्षेत्र में टाइगर रिज़र्व नेशनल पार्क्स या बायोस्फीयर रिज़र्व्स तो वैसे जगहों पे मैं जाता हूँ कई बार वेटलैंड्स में जाता हूँ रामसर साइट्स वगैरह जाता हूँ और मैं अब तक मैं मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही वीडियोज़ बनाता रहूँ मैं और वो मैं अपने फेसबुक पेज में या इंस्टाग्राम में शेयर करता रहा हूँ मैं अब इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से और भी बाकी सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरे जो अपने ट्रैवल्स होंगे जो जिस नई जगह में जा रहा हूँ जिन लोगों से मिल रहा हूँ मैं जो उनसे बातचीत में कर रहा हूँ वहाँ का जो एक परिदृश्य है ऑल दोज थिंग्स विल बी ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ दिस चैनल तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल किसी टॉपिक पर चर्चा करना लेकिन कई बार आउटडोर कभी नेशनल पार्क में मैं गया तो नेशनल पार्क में मेरे जो अपने ऑब्जर्वेशनस हैं वो उस पर मैं वीडियो बना के मैं शेयर करूँगा या जो भी चीज़ें मैं किसी भी जगह पे देश के कॉर्नर पे हूँ कोई भी मुझे ऐसे सामाजिक मुद्दा या कुछ एजुकेशन के रिलेटेड या कोई टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड या कोई भी ऐसी चीज़ें जो आ, बहुत इंपॉर्टेंट है एक ह्यूमन एस्पेक्ट के तौर पर तो वो भी मैं डिस्कस करूँगा तो दैट विल ऑल्सो भी अवेलेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड दिस प्लेटफॉर्म विल बी अ बाइलिंगल प्लेटफॉर्म ये इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में होगा और कई वीडियोज़ होंगे कई चीज़ें होंगी जो इंग्लिश में होंगी कई हिंदी में होंगे कहीं मिक्स होंगे तो मैं प्रयास करूँगा अपने से कि जहाँ तक मैक्सिमम चीज़ें जो लोगों तक मैं बता सकूँ उसको मैं इंग्लिश हिंदी या बायलिंगुल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकूँ मैं इसके अलावा अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज टू गो टू एमिनेंट पीपल टॉक टू दैम एंड ट्राई टू गेट मोटिवेशन फ्रॉम देअर लाइव तो इस चैनल का एक और बहुत बड़ा प्रयास ये होगा कि जो अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने मुकाम हासिल किया है चाहे वो किसी फील्ड में हो थिएटर हो या आर्ट्स के फील्ड में हो स्पोर्ट्स के फील्ड में हो या सिविल सर्विस के फील्ड में हो या कोई वैज्ञानिक साइंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो कोई इन्वायरमेंटलिस्ट हैं या कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं वो तो ऐसे लोगों से मिलना उनसे बातचीत करना उनके जीवन में क्या उनके अपने अनुभव रहे हैं उसके बारे में जानना और उसके द्वारा एक व्यापक तौर पे सभी लोगों को जागरूक करना That will be another uh, important aspect of this YouTube channel. So दोस्तों मैं कई चीज़ों पर प्रयोग करूँगा और कई सारी चीज़ों पर मैं चर्चा karunga मैं और ये channel एक uh, static channel नहीं एक uh, dynamic channel होगा और इसमें multiple व्यू पॉइंट्स होंगे मल्टीपल पिलर्स होंगे मल्टीपल components होंगे जो कि केवल विद्यार्थी या स्टूडेंट या एस्परेंट को ही केवल एग्जाम और उसकी तैयारी के तौर पे ही मदद नहीं देगा बल्कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो बच्चा हो या वृद्ध व्यक्ति हो या किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो उनके साथ उनके संदर्भ में भी बातचीत की जाएगी तो ये एक एकेडमिक एज वेल एज़ नॉन एकेडमिक यूट्यूब चैनल होगा जो मेरे द्वारा यहाँ पर कई चीज़ों पर चर्चा की जाएगी तो मैं आप लोगों को काफ़ी मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि अब तक के जीवन में जो भी मैंने पाया है और जो मेरा अनुभव रहा है और जो भी मेरे मन में ऐसे हमेशा विचार आए हैं जो मैं अभी तक व्यक्त नहीं कर पाया हूँ आज इस चैनल के द्वारा मैं उन सभी चीज़ों पर चर्चाएं करूँगा और अपने मन की बात मैं आपके सामने रखूँगा और अलग अलग पहलुओं को हम लोग एक व्यापक तौर पे कवर कर सकें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे और जल्द ही मैं आपके सामने हासिल हाजिर होऊंगा एक अच्छे टॉपिक के चर्चा पर थैंक यू एवरीवन टेक केयर बाय बाय